इजिप्ट में है ना कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, जैसा अपने को इंडिया में देखने को मिलेगा ना, कोई आदमी किधर से किधर जा रहा होगा ना टक्कर मार के भी चले जाएंगे लोग, इंडिया जैसे ही हाल, इंडिया से बुरा हाल है यहाँ पे। ट्रेनें इतनी ज़बरदस्त है ना, क्या मस्त इंटीरियर, ये देखो यहाँ से, और ये कैबिन था, ये फर्स्ट क्लास कैबिन है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो राइट नाउ मैं हूँ कायरो में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अस्वान के लिए। तो मैंने आज ट्रेन बुक की है, अराउंड 5:15 PM की ट्रेन है। और आप लोग थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे इजिप्ट में फॉरनर्स के लिए अलग ट्रेन है, आप लोग लोकल ट्रेन बुक नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने लोकल ट्रेन बुक की है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्लीपिंग ट्रेन है जो कि 120 USD की है यहाँ से अस्वान के लिए, तो आप लोग मतलब देख लो कि कितनी कॉस्टली है। $120 का मतलब अराउंड 10,000 रुपये के आसपास यहाँ से अस्वान की टिकट है, जो कि अस्वान यहाँ से 850 किलोमीटर के आसपास है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, अगर मैं ढंग से बोर्ड कर गया तो आप लोगों को मैं थोड़ा गाइड करूँगा किस टाइम से आप लोग ट्रेन बुक कर सकते हो। बाकी स्लीपर ट्रेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने चेयर कार में की है। चेयर कार यहाँ पे 3-4 तरह की ट्रेनें चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन, VIP ट्रेन, स्लीपर ट्रेन, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की ट्रेन है। बाकी सामान वगैरह मैंने रख लिया खाने पीने का, बिकॉज साला सिलेंडर बेच रहा है, बताओ तो देखो तो खट 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 कर रहा है। रेलवे स्टेशन यहाँ से अराउंड मेरे हॉस्टल से था 1.5 किलोमीटर के आसपास था, तो बाय वॉक निकल जाएंगे यहाँ से। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है इजिप्ट के अंदर, लाइक एज़ कम्पेयर टू इथोपिया, मुझे ये कंट्री काफ़ी सेफ लगती है। लाइक लोग बहुत प्यारे हैं आपसे, आपके पास आके बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। और लाइक अफ्रीका में अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट अफ्रीका की, वहाँ पे भाई लोग रिकॉर्ड करना चालू कर दे तो बस पीछे पीछे आ जाएंगे, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, गिव मी मनी, ब्ला ब्ला। तो काफ़ी कुछ है यार, मुझे तो बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईस्ट अफ्रीका साइड का एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये भी अफ्रीका में ही है लेकिन ये काफ़ी अच्छी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज़। बाकी अभी तो मुझे 4 दिन ही हुए हैं, तो अभी यहाँ पे काफ़ी दिन रहना, तो जैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी घंटे का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। इजिप्ट में है ना कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, जैसा अपने को इंडिया में देखने को मिलेगा ना, कोई आदमी किधर से किधर जा रहा है। और एक चीज़ और, अगर आप लोग इजिप्ट आओ ना तो कभी भी रोड क्रॉस करो तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई देख के क्रॉस करो, बिकॉज़ ये लोग है ना टक्कर मार के भी चले जाएंगे लोग, इंडिया जैसे ही हाल, इंडिया से भी बुरा हाल है यहाँ पे। बाकी ऐसे स्ट्रीट पे आप लोगों को शॉप्स मिल जाएंगे, भीड़ मिल जाएगी, और कोई भी कहीं से भी गाड़ी ला रहा है, कहीं से भी घुसा रहा है। तो भाई पहुँच गए ट्रेन स्टेशन, ये देख लो, ये कायरो का ट्रेन स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है ट्रेन स्टेशन और काफ़ी क्लीन भी है। लेकिन यहाँ का ट्रेन स्टेशन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। और बाकी मैं आ तो यहाँ पे 1.5-2 घंटे पहले ही गया, बिकॉज चेकआउट कर दिया था 12 बजे, फिर थोड़ा सा खाना खाया, ऐसे ही बाहर घूमा, मैं कहा ट्रेन स्टेशन चलते हैं, तो निकलते हैं यार। कहाँ से एंट्री होगी ये भी नहीं पता। तो भाई जस्ट अभी मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ, तो मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद ट्रेन आ जाएगी। तो बाकी यहाँ पे यार ट्रेनें इतनी ज़बरदस्त है ना, क्या मस्त इंटीरियर, ये देखो, ये कोई नया रैक लग रहा है इसका इंटीरियर, तो देखो सस्पेंशन देखो इसके अलग से, मतलब बंदे को यहाँ पे दच के बिल्कुल नहीं लगते होंगे ज़्यादा ट्रेन, मतलब जो डब्बा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप इंटीरियर देखो गाड़ी का है कि नहीं ज़बरदस्त। मुझे पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगा यार इस ट्रेन का इंटीरियर, लाइक सारी ट्रेनें ऐसी नहीं है। अब उधर की साइड वो ट्रेन भी नया रैक है और ये भी नया रैक है, बट यहाँ पे ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनें हैं। तो यहाँ पे इजिप्टियन ट्रेन्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, और अंदर से इंटीरियर कैसा है इनका, सस्पेंशन कैसा है, सारी चीज़ें आप लोगों को ढंग से बताऊँगा, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। भाई मेरी ट्रेन आ गई है, मैंने पानी की बोतल ली है, भाई कितनी महंगी है, अंदर लेते हैं ना तो यही पानी की बोतल मेरे को पड़ी है 15 इजिप्टियन पाउंड की, और बाहर मेरे को 4 की पड़ी थी, बताओ चला इतना पता होता तो मैं यहीं से ले आता।
ये ट्रेन है, थोड़ी सी पुरानी सीट है। एक तो है ना यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ, समझ में और नहीं आता। Excuse me, sir. भाई ले लिए भाई ट्रेन ले ली। और मैं बात करूँ ट्रेन के इंटीरियर की, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। अगर इसका मेन गेट देखोगे ना, तो मेन गेट इसका काफ़ी चौड़ा है। मैं फर्स्ट क्लास में टिकट करवाया है, तो फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे को पड़ा है 295 इजिप्शियन पाउंड का पड़ा है, जो कि अपने कितने रुपए होते हैं, 825 रुपए के आसपास होते हैं, 825। और अगर आप लोग स्लीपिंग में करवा दो, स्लीपिंग $120 का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और एक बार ट्रेन चल जाए तो आप लोग अंदर से इंटीरियर दिखाऊँगा, इसका इंटीरियर वगैरह कैसा क्या है। के आसपास पड़ा, इतना लगा लेना अपने हिसाब से।
बाकी खाता हूँ। और बाकी ये जो ब्रेड है ना, ये तो स्वीट स्वीट टाइप की है थोड़ी सी। बाकी सीट में बताऊँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप लोग सीट देखोगे ना तो इनकी सीट जो है काफ़ी चौड़ी है और ठीक ठीक सी है, कंफर्टेबल सी है। जैसे अगर आप लोग देखोगे ना, ये देखो ये सीट से है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। Vitamins and history books. तो भाई फाइनली अश्वान पहुंच गया हूँ। बाकी सीटें देख लो इस तरीके की, काफ़ी लंबी चौड़ी सीटें हैं और ये पीछे भी काफ़ी हो जाती है। यहाँ से दबाओगे ना तो ये पीछे हो जाती है ये सीटें यहाँ से। और ये कैबिन था, ये फर्स्ट क्लास कैबिन है। ये ना सफ़र इतना कंफर्टेबल नहीं था, मेरा नेक वगैरह सब पेन कर रहा है, पर ठीक है यार, ओवरऑल ठीक था। ये देख लो ये ट्रेन थी मेरी, और बस अब निकलते हैं। ओवरऑल सफ़र ठीक था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। और अभी क्या यार, मेरे को जिस बंदे के पास रहना है ना, वो बंदा 9 बजे आएगा, तो मैं 9 बजे तक मुझे स्टेशन पे ही बैठना पड़ेगा। और फिर तो अश्वान सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मैं जहाँ तक 2 दिन रुकने वाला हूँ यहाँ पे, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगा, वो बात अलग है। मूड चेंज हो जाएगा ना तो मैं यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा भी रुक सकता हूँ। बाकी यहाँ पे स्टेशन देख लो, यहाँ पूरे इजिप्ट में ना स्टेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो जैसे अपने शॉप्स रहती है उस तरीके से यहाँ पे शॉप्स भी बनी होती है। मैं भी चाहता हूँ इंडिया में भी यार ये चीज़, तो मैं बहुत चाहता हूँ यहाँ पे ना। और हाँ, कल की बात बताऊँ, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे जो ट्रेन के अंदर है ना, लोग इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। और रेस्टोरेंट कार में तो भाई इतनी स्मोकिंग भर रखी थी, और वो लोगों ने मुझे रिकॉर्ड करने नहीं दिया, भड़क रहे थे बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ यार अगर आप ट्रेन में फैसिलिटी दे रहे हो तो स्मोकिंग, मुझे पता है भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कौन करता है यार। मैं सो नहीं पाया पूरी रात। बाकी ये देख लो, तो यार मेरा होस्ट वगैरह तो रिप्लाई कर नहीं रहा, तो अभी यहाँ से मैं एक हॉस्टल बुक किया है, तो वो हॉस्टल जा रहा हूँ मैं यहाँ से। कोई गो इन बैकपैकर्स करके है, सस्ता ही है, तो उसमें रहूँगा, अब क्या करूँ। एक्चुअली मेरा होस्ट से मेरी बात हुई थी सुबह में, तो बात हुई थी, वो बंदा रिप्लाई कर रहा, बोला कहा आ जाऊँगा, अभी उसने रिप्लाई नहीं किया, 1 घंटा हो गया। अभी हॉस्टल चलते हैं और क्या। बाकी सामने डेजर्ट देख लो, ये एक्चुअली ज़्यादा एरिया है ना डेजर्ट में ही है, बाकी अच्छा है टाउन। तो भाई जस्ट यहाँ पे नील रिवर के साइड में खड़ा हूँ एक्चुअली, और सामने देख रहे हो वो तो रेलवे स्टेशन है, बाकी ये मेन रोड है सिटी जाने के लिए, और ये नील रिवर है। और नील रिवर के जस्ट अपोजिट में देखोगे तो वो रेगिस्तानी टीले बने हुए हैं, वो देखो रेतीले से टीले हैं, उधर की साइड पूरा रेत ही रेत है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये नील रिवर का क्रू है, तो लोग क्रूज़ भी करते हैं। कुछ लोग तो क्या यहाँ से करते हैं अश्वान से, और कुछ लोग जो हैं वो लक्सर से क्रूज़ लेते हैं कायरो के लिए। और आई थिंक ये $400-500 का पड़ता है, और 4 दिन में लक्सर से आप लोगों को ये क्रूज़ कायरो पहुँचाएगा। तो किसी को करने की इच्छा हो तो वो कर सकता है, बाकी डिपेंड करता है। लग्जरी क्रूज़ है तो कुछ क्रूज़ $550 के हैं, कुछ क्रूज़ 450, 500, 600, 1000, 2000 तक है, तो डिपेंड करता है। बाकी सही है यार, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी लग रही है मुझे ये। बाकी तो एक्सप्लोर करेंगे तब देखते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।